बच्चों का एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि एसएसबी में स्क्रीनिंग का क्या रोल है। और स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसी टेस्ट होती है कि उसमें से बहुत लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए ये जरूरी है जानना कि इसका रोल क्या है, ये क्यों करते हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी से आज आपके साथ हम फिर से जुड़े हैं आपके कुछ चंद सवालों के जवाब लेकर के। आपके बहुत ही एक कॉमन से क्वेश्चन होते हैं हमारे साथ, आप आते हैं तो कहते हैं मैम एसएसबी में स्क्रीनिंग का क्या रोल है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है आपका। इसका जवाब लेकर के आज हम आपके साथ आए हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं ग्रुप कैप्टन एलके पांडे सर, जो कि वाराणसी बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एसएसबी वाराणसी एसएसबी बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर आज हमारे सवाल का जवाब देंगे। सर बच्चों का एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि एसएसबी में स्क्रीनिंग का क्या रोल है। थैंक यू प्रिया मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनवाइट करके इस फोरम के माध्यम से अपने इन बच्चों को एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब देने के लिए। और ये एक बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है, स्क्रीनिंग टेस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और बच्चा जब से तैयारी करना शुरू करता है एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम होता है, उसकी तैयारी करता है, रिटर्न पास करता है, और उसको पास करने के बाद फिर एसएसबी के लिए जाता है, वहाँ की तैयारी करता है, वो जब फर्स्ट डे पहुँचता है वहाँ उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। और स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसी टेस्ट होती है कि उसमें से बहुत लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं, और बहुत ही दुख होता है जबकि ये इतनी तैयारी के बाद यूपीएससी एग्ज़ाम पास करने के बाद बच्चा चला आता है, तो इसलिए ये जरूरी है जानना कि इसका रोल क्या है, ये क्यों करते हैं हम लोग। ये मैम ऐसा है कि हम जब डिफेंस फोर्सेस की जो प्लेजर्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, जो हमारे बेनिफिट्स हैं, जो पे एंड पर्क्स हैं, वो किसी भी एमएनसी के कंपेरेबल हैं और काफ़ी अच्छे हो गए हैं। हमारी पेंशनेबल सर्विस सिर्फ आर्मी नेवी एयरफोर्स की रहेगी, बाकी पेंशन भी कहीं नहीं है, ये सब बात जानते हैं। ये बातें चारों तरफ फैल गई हैं, इसकी वजह से हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आने लगे हैं अपने डिफेंस के लिए, ऑफिसर बनने की ट्राई करने के लिए, तो हमारे पास एक भीड़ आ जाती है, मजमा आ जाता है, मजूम चला आता है। अब उसमें से हमको बेस्ट सैंपल निकालना होता है, सबसे अच्छा जो हमारा सैंपल निकालें, और उस अच्छे सैंपल को हम फिर उसमें टेस्टिंग करें, डिटेल टेस्टिंग करें, और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो वो निकाल करके आगे ले जाएं। तो इसके लिए हमने डिज़ाइन किया है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। उस स्क्रीनिंग टेस्ट का रोल ये है कि हम उन बच्चों का टाइम वेस्ट ना करें, उनका भी और अपना भी, जिनके अंदर कोई भी ऑफिसर लाइक क्वालिटी का दूर दूर तक कोई भी स्कोप नहीं है, उनको हम क्यों अपने साथ जोड़े पाँच दिन तक, उनका वक्त क्यों बर्बाद करें। कोई एमएनआईटी में होगा, कोई आईआईटी में होगा, कोई इंजीनियरिंग कर रहा होगा, कोई और कोई कोर्स कर रहा होगा, सब अपने बिजी हैं, उनके पाँच दिन क्यों बर्बाद करें। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो सैंपल जो हम निकाल रहे हैं, उस सैंपल में वही बच्चे हों जिनका मोटिवेशन लेवल हाई है, जिनके अंदर वो केबिलिटी है अपने फेज टू के GTO साइकोलॉजी और इंटरव्यू टेस्ट को क्लियर करने की, उनको हम आगे निकाल लें, बाकियों को फर्स्ट डे वापस भेज दें। तो ये रोल है हमारे स्क्रीनिंग का। तो पहली बात तो ये है कि बच्चों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर जिस तरह से हम यहाँ प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को, तो मेरे ख्याल से तो कोई भी बच्चा यहाँ केस पॉइंट में आकर के सीख करके स्क्रीनिंग क्लियर कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वो बच्चों को यहाँ आए हमारे पास, प्रैक्टिस करें और क्लियर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम टेस्ट हमारा जो SSB का होता है, स्क्रीन टेस्ट होता है। जी थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सर ने आपको बताया अभी स्क्रीनिंग के बारे में, ऐसे ही हम आपके साथ और भी वीडियोस लेकर के आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका GTO एंड इंटरव्यू के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके आपसे फिर से मिलेंगे आपके और क्वेश्चन के आंसर लेके। थैंक यू।